Hello, children. Welcome to your English class. Today, we will do questions, answers, and two other exercises from your poem number seven, Puppy and I. And this poem is from your English Marigold book, NCERT. So, let's begin with questions and answers. क्वेश्चन नंबर वन हु इज द आई इन द पोयम हु इज द आई इन द पोएम द नेम ऑफ द पोएम इज पापी एंड आई सो हु इज द आई इन द पोयम आई कौन है पोयम में आंसर इज आई इन द पोएम इज अ लिटिल बॉय जो छोटा बच्चा है वो उसमें आई है और यू कैन से द पोएट इज आई इन द पोयम नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू वेयर वॉज द मैन गोइंग जो मैन था वो कहाँ जा रहा था आदमी कहां जा रहा था आंसर इज द मैन वॉज गोइंग टू विलेज टू गेट सम ब्रेड जो आदमी था वो गांव की तरफ जा रहा था और वो वहां से ब्रेड लेने जा रहा था सो द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड ना क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाई डिड इट द चाइल्ड गो विदर्स ठीक है बच्चा जो आदमी के साथ भी नहीं गया और वो घोड़े के साथ भी क्यों नहीं गया जो बच्चा था ना घोड़े के साथ नहीं गया क्यों नहीं गया तो आंसर इज द चाइल्ड गो विद बिकॉज़ हॉर्स दॉ गोइंग टू गेट सम हे जो घोड़ा था वो भी गांव की तरफ जा रहा था और गांव से अपने लिए ले घास लेने जा रहा था चाइल्ड डिटेंट गो विद द पपी नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स talk so let's that exercise actually uh, we have to talk in the class we have to discuss in the class but due to coronavirus so we are here from the video we will talk and we will discuss we have already discussed in the zoom class also but we will discuss we will do it here so talk time do you have a pet it is my answer yes i have a pet dog अगर आपके पास नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं मेरे पास है इसलिए मैंने लिख दिया है यस ओके तो यस आई हैव अ पैट डॉग नाउ नंबर टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स दैट यू एंड योर पैट डू टुगेदर आपको तीन कोई भी ऐसी चीजें लिखनी है जो आप और आपका पेट करते हो आप साथ में मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हो इवनिंग वॉक पे भी जाते हो वी प्ले टुगेदर इन द इवनिंग वी सिट टुगेदर ऑन सोफा एंड सी टीवी सो यू कैन राइट योर Own answers also. Next question is, how do you look after your pet? आप अपना जो पालतू जानवर आपके पास है उसकी आप देखभाल कैसे करते हो ठीक है उसकी देखभाल भी तो करते हो अगर उसके साथ खेलते हो मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हो इवनिंग वॉक पे भी जाते हो तो उसके साथ खेलते भी हो ठीक है तो उसकी देखभाल कैसे करते हो तो आप उसको अपने अप, अपने हाथों से नहलाते हो आप उसको खाना भी खिलाते हो ठीक है ना सो मेनी थिंग्स यू डू फॉर योर पैट सो आई हैवे पैट डॉग इज़ नेम इज़ टफी आई ज बेड एंड टेक केयर ऑफ हिस्स क्लीस आई प्ले विद हिम इन द इवनिंग आई लव हिम वेरी मच नाउ लेट्स राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैच द एनिमल्स विद द साउंड आपको जानवरों को उनके साउंड से मैच करना है मतलब जैसे जो जो जानवर हैं उनकी आवाजें है. तो अह ट्रम्पेट्स नो तो आपको उसको मैच करना है ए से कॉलम मैच द कॉलम ए टू कॉलम बी एनिमल्स एंड देयर साउंड्स सो आई रिटन लाइक दिस अ हॉर्स नीज अ शी ब्लेट्स एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स अ काउ मूज अ डॉग बार्क्स अ कैट म्यूज अ टाइगर रोर्स आप इस तरीके से मत लिखिएगा आप उसको मैच करके ही कीजिएगा ओके सो यू हैव टू मैच इट नाउ नेक्स्ट इज Now read the, uh, this, fill in the blanks with the rhyming words. So the words are hill, hay, fine, get, going, hair. So you have to write down the rhyming words. Rhyming words means same sound words. Like hill, will, sill, bill, pill, hay, gay, day, fine, dine, line, get, set, met, going, showing, row, rowing, hair, care, mare. Like this you have to write. Now, next poem is Bruno. Bruno is my pet puppy. He breaks his dish. He is sad. Daddy gives him milk, but Bruno is sad. My mommy gives him a new dish. Now, Bruno is happy. Now, choose the right words. Okay? So, choose the right words and fill in the blanks. So, Bruno is my what? He breaks his dash. Daddy gives him dash. Mommy gives him a new dash. Bruno is now dash. So, Bruno is my pet. He breaks his dish. Daddy gives him milk. Mommy gives him a new dish. Bruno is now happy. So, children, do these exercises in your book and notebook. Till then, goodbye.